एक ऐसी चीज है यार, बड़ा अजीबोगरीब किस्म का इसका मुंह है, क्या है ये? अगर आप पिछली साइड से भी देखें तो बड़ी अच्छी नजर आएगी। अब इस बच्चे की आप देखें, आपकी तरफ आगे इसकी कॉम्पैक्टनेस के पॉइंट्स होते हैं, उतनी क्वालिटी 29,000 का पेयर है। ब्लैक में पेयर होगा आपके पास? ब्लैक पेयर जो है वो राउंड अबाउट कह लेंगे 1,00,000 से 1,20,000 के रेट का लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा सब कुछ। हाँ बिल्कुल, ARBA है अमेरिकन। माशाल्लाह जी, इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, इसका बच्चा आ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। लाहौर से 400 किलोमीटर दूर मुजम्मिल भाई के फार्म पे इस्लामाबाद में आया हूँ। इनके पास एक छोटी सी जगह पे बड़ी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई है, एक बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा, लोग कारोबार कर सकते हैं इसका। इनके पेज का नाम मेंशन करते हैं, यहाँ पर आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, इनसे बाय कर सकते हैं चीजें। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी ब्रीड इनके पास अवेलेबल है उसके बारे में बात करते हैं। मुजम्मिल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा मुजम्मिल भाई, कौन कौन सी ब्रीड इस टाइम आपके पास अवेलेबल है? मेरे पास इंग्लिश एंगोरा, न्यूजीलैंड वाइट, हॉलैंड डॉब्स, उसके अलावा लॉयनेट डॉर्फ्स, उसके अलावा सैटिन रैबिट है, सैटिन के अलावा मेरे पास फिर न्यूजीलैंड ब्लैक है, फ्लेमिश है मेरे पास। हम लोग के काम करते हैं कि वन बाय वन सब दिखाते हैं और जिसको जो पसंद होंगे वो आपसे फेसबुक पे रब्ता कर लेंगे। ठीक है? ठीक है, चले जी शुरू करते हैं। सलाम अलैकुम, ये जो ब्रीड है ना, ये हमारे पास है सैटिन रैबिट है, ये सैटिन SATIN सैटिन रैबिट है। तो ये इसकी वैल्यू है ना वो सिर्फ ऑर्नामेंटल वैल्यू है, और इसकी जो यूनिकनेस है वो ये है कि ये कलर में इसका ऐसा कलर है जैसे लगता है मेहंदी लगाई हुई है, बिल्कुल चमकता है धूप के अंदर। मैंने फर्स्ट टाइम आपसे पूछा गया है मेहंदी लगाई है इसको? हाँ, तो ये हमारे पास ही है सिर्फ इस टाइम पे सैटिन रैबिट इस कलर में। अच्छा, क्या मार्केट वैल्यू होगी इसको? इसके जो बच्चे है वो 25,000 रुपए का बच्चों का पेयर सेल करते हैं मार्केट में, इसकी यही वैल्यू है इस टाइम पे। और पेयर जो है वो राउंड अबाउट कह लेंगे 1,00,000 से 1,20,000 के दरमियान में है, और ये टैटूड और पेडिग्रीड है। टैटूड नजर आ रहे हैं इसके अंदर, ब्लैक कलर का कानों में जो प्रिंट हुआ हुआ है इनके, इसके नहीं है वो दूसरे वाले के हुआ हुआ है, इसका बच्चा है ना। अच्छा, ये आपकी होम ब्रीड में से है। टोटल कितने पीस आपके पास ये वाले? में 4 से 5 पीस होंगे। अच्छा, इसके बारे में क्या मशवरा है कि ये लगाना चाहिए लोगों को? देखे स्टूडेंट्स, बात होती है शौक की, ये कहते हैं ना लो सप्लाई हाई डिमांड वाला चक्कर होता है, तो ये सिवाय मेरे और किसी के पास है नहीं, इसलिए ये है कि ये अच्छा चलने वाला मेरे ख्याल में आइटम है। ठीक है, मैक्सिमम वेट क्या करेगा ये? मैक्सिमम इसका जो मेल है वो हमारे पास 3.5 kg तक है। 3.5 kg पाकिस्तानी रैबिट से काफी ज्यादा है ये, काफी बड़ा है पाकिस्तानी रैबिट से। ठीक है, और फीमेल वेट क्या कर रही है? तकरीबन 3 किलो। और मैक्सिमम लेइंग? मैक्सिमम इनकी होती है तकरीबन 7 बनीज दे रही है। 7 अभी तक आपके पास आए हैं? लेंगे 5। और क्या स्पीड निकली इसकी, मतलब रिस्पांस क्या मिला बच्चे की, स्पीड में लोगों ने लिया आपसे? मेरे पास इसके बच्चे अभी फॉर सेल नहीं थी जब फर्स्ट लेइंग आई थी आपके पास। समझ लेना, इसी से समझे कि बच्चे फॉर सेल नहीं है मेरे पास, इसका मतलब है कि बच्चे ऑलरेडी एडवांस में बुक हो जाते हैं। अच्छा, जब फौरी तौर पे ले लिए गए, सही है। देखने आता है उसको, ये यूनिक चीज नजर आती है, वो कहता है यार इसके मतलब काफी सारे कलर्स पड़े हैं लेकिन ये एक डिफरेंट ही कलर है, जैसे कलर खुद किया हुआ है, काफी अच्छा कलर है। अच्छा, दूसरे की तरफ चलते हैं हम लोग, बच्चे इसके नहीं है भाई अभी, इनको बुकिंग वगैरह करवा देना। आपके पेज का नाम क्या है वैसे? हमारे पेज का नाम है ग्लोबल फॉर्म्स, GLOBALL स्पेस FARMS, ये फेसबुक पे है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट ब्रीड की तरफ चलते हैं। जी मुजम्मिल भाई, हमें दूसरी ब्रीड से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मुजम्मिल भाई, ये क्या ब्रीड है, कलर क्या, बड़ा डिफरेंट कलर है ये भी? ये बेसिकली जो फीमेल है ये न्यूजीलैंड ब्लैक है। न्यूजीलैंड ब्लैक? अच्छा, ये कुछ मेहंदी कलर टाइप लग रहा है क्योंकि ये इंटायरली ब्लैक और ब्लैक के क्रॉस का ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक और व्हाइट के क्रॉस में से बच्चा निकला हुआ ब्लैक है, ये हमारी होम ब्रीड है। अच्छा, इस टाइम पे इसका वजन तकरीबन 4.7 किलोग्राम है। वाओ, फीमेल का वजन? फीमेल का वजन, और इसका वजन, इसको हमने क्रॉस दिया है नीचे जो आपके बिल्कुल ये नजर आ रहा है। ठीक है, इस ब्रीड का नाम बता दें? ये फ्लेमिश जायंट है। फ्लेमिश जायंट है, थोड़ा एग्रेसिव है, हम लोग बाहर नहीं उसको निकाल सकते हैं। फीमेल तो नहीं काटती? नहीं काटेगी। ये देखें जी, ये फीमेल साइज में बहुत अच्छी है ये माशाल्लाह। और अच्छा, ये साथ जो इसके हैं ये इसी के बच्चे हैं और इसी के बराबर होने वाले हैं। ये कलर निकला बिल्कुल मेल डोमिनेंट हो गया ना। और ये भी आप अगर कंपेयर करें साइज को तो आपको नजर आएगा कि कह लेंगे 18-20 का ही फर्क है। क्या एज के बच्चे होंगे इस टाइम? ये बच्चे इस टाइम पे तकरीबन 3.5 महीने के हैं। अच्छा, क्या इसकी मुजम्मिल पे मार्केट वैल्यू क्या होगी इसकी? फ्लेमिश जायंट जो है वो अगर प्योर हालत में हो तो तकरीबन 40-45,000 रुपए का बच्चों का पेयर। हमारे ऑडियंस को कितने का मिलेगा ये? ये हम आपकी ऑडियंस को 30,000 रुपए का पेयर दे देंगे इस कलर के अंदर और इसी एज के अंदर, इस कलर के ये प्योर ब्रीड नहीं है क्योंकि मैं बता के देता हूँ जो चीज भी बता के देता हूँ। ये किस किस का क्रॉस है? ये न्यूजीलैंड ब्लैक का और फ्लेमिश जायंट का क्रॉस है, ये बेसिकली हमारे दोनों जायंट साइज है ना।
जाइंट साइज है, न्यूजीलैंड से बड़ा ही होगा ये, न्यूजीलैंड से बड़ा होगा लेकिन जाइंट के बराबर शायद जाए, नहीं जाएगा साइज में तकरीबन इसका। आप मैं आपको एवरेज प्रेडिक्शन कर देता हूँ, ये तकरीबन ना 5.5-6 kg तक जाएगा। अच्छा हमारा टेम्परेचर ये अब उसमें रह लेंगे हमारे एनवायरनमेंट के, ये जो फीमेल है ना ये भी यहीं की बॉर्न है, ये लोकल बॉर्न फीमेल है, ठीक है। और ये जो मेल है ये भी जिस दिन आया था ये 45 दिन का था, ये मेरे पास बड़ा हुआ। अच्छा ये जो बच्चे हैं ये हमारे लोकल रैबिट से बड़े हैं इस टाइम, काफी बड़े हैं ये। अभी अगर आप इसको वेट करके आपको दिखाऊं तो इसका वेट काफी, ये ना वो होता है क्या कहते हैं इसमें मीट टू बोन रेशियो बड़ी अच्छी होती है, तो ये ना बल्कि है थोड़ा सा, दिखने में छोटा लगेगा लेकिन इसका वजन होगा ठीक ठाक। अच्छा जिधर से आए हैं वहाँ पे वाइल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं? नहीं वहाँ पे भी केजेस में ही होते हैं, वहाँ पे भी केजेस। मैं खुद फिटनेस करके आया हूँ 2019 के अंदर, मैं इंडोनेशिया गया था, काफी अच्छा रैबिट्स पे काम हो रहा है वहाँ पे, और पाकिस्तान में बहुत टाइम तक इम्पोर्ट वहाँ से आती रही है। अच्छा। तो वहाँ पे भी केजेस के अंदर ही है ये रैबिट्स, ठीक है, केजेस के अलावा, क्योंकि टेरिटोरियल एनिमल है ना ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा जो नया बंदा है जो मार्केट में आना चाह रहे उसको ये लगाने चाहिए क्या नहीं? लगाने चाहिए प्योर ब्रीड न्यूजीलैंड वाइल्ड, गर्मी वगैरह जिसके पास कंट्रोल ना हो कौन सी ब्रीड रिकमेंड करते हैं आप यार ये लगाओ? देखिए गर्मी अगर तो आप, मैं हर बंदे को ये कहता हूँ कि जितने टेम्परेचर में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं ना गर्मियों में जी, ये उतने टेम्परेचर पे आराम से रह लेते हैं। ये सिर्फ मिथ्स बनी हुई है कि गर्मी में रैबिट मरता है और इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आप लेट्स सपोज आप 32-33 में अच्छे तरीके से कमरे में सो सकते हैं ना, तो ये भी 32-33 में रह सकते हैं, ठीक है, और ब्रीड भी करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ब्रीड की तरफ चलते हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल का, ये जायंट साइज है तो बच्चे की क्वांटिटी ज्यादा होती है क्या? इनका क्लच साइज बहुत अच्छा होता है, ये 12-13 क्लच साइज होता है इनका, 12-13। और वो जो कहते हैं 14वीं की चांद की चांद बच्चे देते हैं, 21 से 21 बच्चे देने वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं थोड़ी ना। हाँ मैं भी सोच रहा यार, सालाना आप इनसे 5 दफा बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सलाना कोई भी है, कोई भी ब्रीड है, कोई भी ब्रीड है, ये एथिकल नहीं है कि हर महीने इनको क्रॉस देना, हम क्रॉस नहीं देते इनकी स्टडी के लिए। क्या गूगल पे जाना पड़ेगा? गूगल पे बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, आप खाली नाम ब्रीड का लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा सब कुछ। हाँ बिल्कुल, ARBA है, अमेरिकन रैबिट ब्रीडर एसोसिएशन, उनकी पूरी बुक है स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन के नाम से, ठीक है, आप वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में भी एक बुक लिखी गई है खरगोश बानी के नाम से, इरफान आजिज साहब ने लिखी है वो बुक। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इसको आजकल बुक्स कोई नहीं पढ़ता, सिंपल इज दैट, लोग हर बंदा बस कहता है कि फेसबुक पे लिखा आ गया और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कहीं यूट्यूब से सही होती है कुछ गलत होती है अपनी जुबान में, पर मिल जाती है, मिल जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट ब्रीड की तरफ चलते हैं, चलें। अच्छा यहाँ पर ना मुजम्मिल भाई के पास इस टाइम हम लोगों को इंग्लिश अंगूरा के बच्चे नजर आ रहे हैं जो कि छोटे बड़े साइज के अंदर हैं, और जैसे जैसे अपना साइज बड़ा कर रहे हैं ना वैसे वैसे फेस इसका जो है चेंज होता जा रहा है। इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो किस तरीके से ये बच्चा जो आप देख रहे हैं इसके फेस में आपको डिफरेंट नजर आएगा क्योंकि इसकी एज ज्यादा है, ये बच्चे का भूल काम है भी क्योंकि ये बच्चा भी छोटा है जी। मुजम्मिल भाई इसके बारे में बताएंगे, टी कान में कब आएंगे, टी शेप में जब इनके ईयर है? ये देखें टी बनाना शुरू अभी भी से कर रहा है ये बच्चे ने, अभी आपके सामने जो है इसने टी बना दिया है। सही है, टी तब बनती है जब कानों के ऊपर डेंसिटी बन जाती है। जेनेटिकली चीजें जो देखने वाली है कि कानों की चौड़ाई होनी चाहिए। अच्छा अब इसके कानों की चौड़ाई अगर आप पिछली साइड से भी देखें तो बड़ी अच्छी नजर आएगी। अब इस बच्चे की आप देखें आपकी तरफ आगे छोटे बड़े की क्या एज होगी इस टाइम? ये 35 दिन का बच्चा है तकरीबन, और ये राउंड अबाउट 60 दिन के बच्चे हैं जो बड़े वाले। 35 दिन वाले की क्या मार्केट वैल्यू होगी? हम 35 दिन का बच्चा सेल ही नहीं करते। वैसे वैल्यू क्या होती है इसकी? 35 दिन का बच्चा भी हो या 60 दिन का बच्चा हो तो तकरीबन 25,000 रुपए का अच्छी क्वालिटी में जो बच्चा है ना इंग्लिश एंगोरा में क्रॉस लाइन में मिलता है इतने का। पेयरिंग की बात कर रहा हूँ, 25,000 और कलर में 20,000 रुपए तक का पेयर मिल जाता है अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। अच्छा इसकी एज क्या बड़े वाले की? ये तकरीबन 60 दिन का है जो आपके कैमरे को देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये लेना चाहें तो हमें कितने का मिल जाएगा? ये हम भी आपको आपकी तरफ से जो कस्टमर आएंगे उनको हम 2,000 का डिस्काउंट देंगे, 2,000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट और अवेलेबिलिटी करा देंगे क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी का इशू है। अच्छा आप कार्गो भी करते हैं? कार्गो हमारा पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, इवन कराची में जो हम कार्गो करते हैं वो बाय एयर करते हैं। अच्छा जैसे कि आपने पहले कहा कि यार वो टेम्परेचर जो हमारी बॉडी बर्दाश्त करती है लेकिन इसके ऊपर एक फर है बहुत ज्यादा, ये इसको ट्रिम कर देंगे ना, फिर हम ट्रिम के बाद वो नॉर्मल रैबिट की तरह हो जाता है। इसकी खाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मोटी वगैरह नहीं है खाल, खाली इसकी वूल का है। बिल्कुल वूल का होता है सिर्फ इसका, वूल की 32 तक ये भी सर्वाइव करता है, 32 तक करता है, सर्वाइव करता है। 32 के बाद ब्रीडिंग करना छोड़ेगा,
क्योंकि क्या कहा जाता है कि जब टेम्परेचर 31-32 होता है ना, तो मेल का स्पर्म जो होता है वो वायबल नहीं रहता। अच्छा, बेसिकली मेल ठंडी जगह पे रखे, फीमेल बेशक आपकी गर्म जगह पे ब्रीड आ जाएगी आपके पास। ये कहां तक जाके टेम्परेचर पे दम तोड़ देता है? मेरे पास एक दफा ट्रेजेडी ये हो गई थी कि नए नए इम्पोर्ट आई थी और हमारी जो दूसरा फार्म था वहां पे बिजली ना गाड़ी गुजरी, उसके तार लगी और बिजली कट गई हमारी। अच्छा। एसी चल रहा था, एसी बंद हो गया, कमरा बिल्कुल बंद था। ठीक है। वो हम रात से लेके सुबह तक जब हम वापस पहुंचे टेम्परेचर में, उस कमरे में कोई वेंटिलेशन भी नहीं थी क्योंकि एसी वैसे हमने बंद किया हुआ था। 37 पे टेम्परेचर था और रैबिट मरे नहीं थे हमारे, 37 फुल वूल के साथ थे, चल गए थे वो, बच गए, बच गए थे, ठीक हो गया। मैंने बताया ना, सिर्फ लोग डरते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं। पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स इसके अभी ब्रीडिंग पे हैं काफ़ी सारे, तो ब्रीडिंग पे होंगे इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहे। यहाँ पे इस केज में है एक, वो भी निकाल के आपको कहते हैं, दिखा रहे हैं उनको, कोई और ब्रीड दिखाते हैं हम लोग। सही है। इसके अलावा ये खा लें आप। अच्छा अच्छा, ये वो ब्रीड है जो दुनिया की सबसे छोटी ब्रीड है, डवार फैमिली से है, ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड में से है। एक्सपेंसिव भी और छोटी भी है, और छोटी भी है। इसको बोलते हैं आईज ऑफ फैंसी भी बोला जाता है इसको। क्या कहते हैं? आईज ऑफ फैंसी। आईज ऑफ फैंसी, आईज ऑफ फैंसी। ये अमेरिकन रैबिट ब्रीडर एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड है और एक कह लें कि यूएसए की बड़ी पसंदीदा ब्रीड है ये। अच्छा, इसके अंदर वो जो डिफरेंट आते हैं जिसके कान काले होते हैं, वो कुछ और है? वो अलग ब्रीड है, वो उसको चार्ली बोला जाता है। चार्ली इसी में से निकलता है, वो डच भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, इसी में से निकलता है। वो पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में, हमारे पास भी था। आपके पास क्या मार्केट इसकी ज्यादा है कि उसकी ज्यादा है? इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट। संभालना कौन सा आसान है? दोनों सेम है, जेनेटिकली सेम है बिल्कुल। और टेम्परेचर इसका कॉमन बिल्कुल आम रैबिट्स की तरह? हाँ बिल्कुल इसी तरह। अब इसके बच्चे आपको कम नजर आ रहे होंगे, ये भी उसकी रीजन ये है कि ये बच्चे हमारे ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं वो प्री बुक्ड होते हैं। इसका हम 50,000 रुपए का बच्चों का पेयर देते हैं, क्योंकि ये जो है 60 दिन का बच्चा हम देते हैं। अच्छा, डवार बॉर्डर की जो बंदे क्वालिटी समझते हैं तो इसको देख के वो समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। ये मेल है? ये मेल है और ये हमारा लोकल, मतलब यहीं का पैदा हुआ हुआ मेल है। इसकी जो हमारे पास जो मदर्स हैं वो यूएस से इम्पोर्टेड हैं और बेड जो अमेरिकन रैबिट ब्रीडर एसोसिएशन के जजेज हैं उनसे पेडिग्री शुड है और उन्हीं की ब्लड लाइन के हमारे पास। क्या वैल्यू होगी इस टाइम? ये एक मेल जो है इस टाइम पे ये 1,10,000 रुपए का, 1,10,000 रुपए का एक मेल है। जो हमने ब्रीडर्स इम्पोर्ट किए थे वो तकरीबन 1,20,000-20,000 रुपए के हमें। साइज में काफी छोटा है लेकिन मार्केट में काफी ऊंचा लग रहा है मुझे। यही वजह है, जितना छोटा होगा उतनी क्वालिटी ज्यादा होगी इसकी। इसकी कॉम्पैक्टनेस के पॉइंट्स होते हैं, उतनी क्वालिटी ज्यादा होगी। कान जितना छोटा होगा, फेस आगे से जितना पंच्ड होगा, मोटा होगा फेस, अभी आपके सामने आया होगा तभी आपको इसको नजर पंच फेस नजर आ रहा है, अगर प्लेन है बिल्ली बिल्कुल प्लेन है। और बाकी जो आंखों के इर्द गिर्द जो ये सुरमा लगा हुआ है, स्प्लैश नहीं होना चाहिए, मतलब फैलावा नहीं होना चाहिए। ये ब्रीड बिल्कुल है कहाँ की? पीछे ये अमेरिका की ब्रीड है, अमेरिका की ब्रीड है। ओरिजिनेट जर्मनी में हुई थी लेकिन जर्मनी में खत्म होगी, सारा यूएसए में चला गया। अच्छा अच्छा, और अभी कहाँ से आ रहा है ज्यादा ये? ये यूएसए से हमने इम्पोर्ट किया, उसके बाद इम्पोर्ट शायद एक पेयर आया अभी अरसलान भाई की शिपमेंट। ये एज अ पेट चलेगा? एज ए पेट ही चलता है। ये बहुत इंटेलिजेंट रैबिट है, ये बिल्कुल जैसे बिल्ली ट्रेंड होती है ना, एक ये और एक हॉलैंड लोप, जितने भी ड्वार्फ्स हैं और हॉलैंड लोप हैं ये बहुत ज्यादा बिल्ली की तरह ट्रेंड कर सकते हैं इनको, बिल्कुल हो जाते हैं। पॉसिबल है? पॉसिबल है और बड़े अच्छे ट्रेंड। कॉल सुनते हैं ये? कॉल सुनते हैं, आपकी कमांड भी सुनते हैं, कमांड सुनते हैं, कमांड सुनते हैं। बड़ा प्लेफुल एनिमल है ये। और इसकी लेंथ क्या है? ये छोटे बच्चे, ये कम बच्चे देता है, तकरीबन एवरेज पे 3-4 बच्चे देता है, एवरेज पे 3-4। मोर्टेलिटी इसमें ये होता है कि पीनट्स आ जाते हैं सम टाइम पे ना, डबल ड्वार्फ जी होती है जिनके अंदर पीनट बच्चे आ जाते हैं ना, तो उनका फिर ये हो जाता है कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, वो आफ्टर 15-14 days मर जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए चेंज करते हैं ब्रीड और कुछ दिखाते हैं भाई। जी मुजम्मिल भाई, ये क्या चीज़ है यार, बड़ा अजीब और गरीब किस्म का इसका मुंह है, क्या है ये? ये लॉयन हेड ड्वार्फ है, अजीब मुंह वाला। ये ब्लू आइज में, जो व्हाइट कलर में है ना, ये सारे ब्लू आइज में, ये इनका फादर है सबका। अच्छा, आप सबका फादर है। अभी इसको केज से निकाल के लाए हैं आप? ठीक है। हां हां, तो इसके बाल उठाए नहीं हुए हैं आगे किए नहीं हुए, नेचुरली हैं इस टाइम? ये नेचुरली हैं ऐसे। ये लॉयन हेड का मतलब ही यही है कि इसके जो बाल होते हैं वो ऐसे शेर की तरह होते हैं और यहाँ पे ऐसे फ्रिल बनी हुई है, देखे ना साइडों पे पूरी फ्रिल बनी हुई है। अच्छा, फादर कौन सा बताया आपने? ये सबका फादर है। ये बहुत बड़ा साइज नहीं है? ये ड्वार्फ ब्रीड है। अच्छा, इसका क्यों नहीं हेड वैसा जैसे बाकी ये जगह, ये जैसे इसके है? क्योंकि ना ये सीनियर हो चुका है, इसकी 2 साल एज है। जैसे ये सीनियर हो जाता है ना, ये मोल्टिंग करते हैं तो ये अपनी जो साइडों की फ्रिल होती है ना ये गिरा देते हैं। अच्छा, साथ साथ
और ये जो बच्चे होते हैं इनकी क्यूटनेस जो होती है वो 8 से 9 महीने तक रहती है, उसके बाद फिर ये भी अपने बाल गिरते हैं। मतलब शक्ल उसकी बिगड़ी तो इसकी भी नहीं है शक्ल फिलहाल, ये किसने साइडों से ना साइडों से ये बाल गिराए थे, अपने स्पाइक्स खत्म हो गए हैं उसके। अब ये बच्चा भी जो है ये भी इसी का ही है, लेकिन ये इसकी आंख, इसके कान, इसके आंख पे, नाक पे देखें एक स्पॉट नजर आ रहा होगा व्हाइट कलर में, इसको बोलते हैं वियाना मार्क्ड। वियाना मार्क इसका जब क्रॉस हम कराते हैं ना किसी भी कलर से, जी जी, या रेड आईज से, तो बच्चा कभी भी व्हाइट नहीं आता, इस कलर का आता है। अच्छा, और जब इसको वापस हम इससे क्रॉस कराएंगे ना तो ये बच्चे पैदा होंगे व्हाइट ब्लू आईज, व्हाइट ब्लू आईज। ब्लू आईज रेयर है, रेड आईज रेयर है, ब्लू आईज बहुत रेयर है, ब्लू आईज ज्यादा रेयर है। ये पाकिस्तान में शायद मेरे पास ब्रीडिंग पेयर और एक और बंदे के पास ब्रीडिंग पेयर है, उसके अलावा कहीं ब्रीड नहीं कर रहा है। सीरियसली यार, इसका मुझे फेस बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। ये लॉयनेट ब्लू आईज है, बाकी रेक्स के बाद लॉयनेट मैंने देखे हैं पहले, लेकिन वो इस तरह के नहीं थे। आपने फिर बड़ी एज के शायद देखे होंगे या उस क्वालिटी में नहीं देखे होंगे, लेकिन वो इससे बड़े साइज थे वो जो मैंने देखे। क्वालिटी फिर जो है वो देखें, इसकी क्वालिटी है ये, इसकी जितना छोटा होगा। एज क्या होगी इस मेल की? ये 2 साल का मेल है, 2 साल का। ये देखो, कुछ नाम वगैरह भी इनको दिए हुए आपने? नहीं, मेरे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैंने नाम कुछ को दिए हुए हैं, कुछ को जो नॉट ले हैं। इसका एक छोटा भाई है, उसका नाम सैम रखा हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम बस ये सबका बाप है, सबका बाप है। बाकी एक हमारे पास जॉनी है, वो दिखाते हैं आपको, जॉनी दिखाते हैं। अच्छा, इसकी क्या वैल्यू होगी इस बच्चे की? ये जो ब्लू आईज के बच्चे हैं ये 50,000 का हमारा पेयर टिकट की तरह सेल होता है। 50,000 पर पेयर। अच्छा अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई हम लोग आपसे वापस बाय भी करें, तो ऐसा सीन है? देखें, कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैंने ये बच्चे आपको दे के इनके बच्चे आपसे लेने हैं तो ये बच्चे मैं अपने पास रख के बड़े क्यों ना कर लूं। ठीक है, बेसिकली मार्केट में जितना ज्यादा जाएगा, देखें आपकी मार्केटिंग स्किल्स मेरे से अच्छे हो सकते हैं, आप उसे अच्छा बच्चा सेल कर सकते हैं, हो सकता है आपकी वजह से, आपकी वजह से मार्केट में नया बंदा आएगा। अगर मैं आपके हाथ ही काट रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे मैं खरीद लूंगा, तो मैं मार्केट में क्या दे रहा हूँ? मैं मार्केट में तो फिर कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, आपको खुद अपनी मार्केट बनानी, हमेशा अपनी मार्केट खुद बनानी पड़ती है। बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, कहाँ पे मार्केट बना सकते हैं हम लोग? बेस्ट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया ही है। फेसबुक कैसा है? फेसबुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। OLX से कस्टमर आपके पास आता है, लेकिन OLX से ये क्या फीचर ऐड कर दें तो बहुत अच्छा कस्टमर आता है आपके पास। अच्छा, 700-800 रुपए लगते हैं सिर्फ। ठीक है, वो फ्रंट पे रहता है 2-4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए ऊपर रहता है, 14 दिन के लिए रहता है 750 में, और महीने के लिए 1450 रुपए में। तो उसमें आपको फीडबैक मिलता है, अच्छा फीडबैक मिलता है, बहुत अच्छा फीडबैक। ठीक हो गया। अच्छा, अडल्ट की क्या वैल्यू होगी इस टाइम? अडल्ट ये वैल्यू अगर देखी जाए तो इसकी एक पेयर की वैल्यू 2-2.5 लाख से ऊपर की होगी, लेकिन उसकी रीजन ये है कि मैं सेल ही नहीं करना चाहूंगा इसको। 2 से 2.5 लाख रुपया? देखें, जो बच्चे 70-80 लाख का माल लगा लिया, क्या चक्कर है? ये हमने इसी के अंदर से निकाल के लगाया हुआ। कितना टाइम लगा इसमें? 3 साल तकरीबन। 3 साल टाइम लगता है काम। एक ही ब्रीड को लेके चले थे आप? नहीं, हमने शुरू से स्ट्रेटजी रखी थी कि हम अपने आप को वर्सटाइल करते गए, हमने एक ब्रीड की सैचुरेशन नहीं बनाई। नुकसान हुआ? नुकसान बहुत होते हैं। फिर आप को तो कभी ऐसा माइंड हुआ कि यार छोड़ दूं? देखिए, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जौन सी चीज जहाँ पे घूमती है ना वो वहीं से आपको वापस मिलती है, तो ये नहीं है कि आपने चीज घुमा दी पिंडी में और ढूंढने आप लाहौर चले गए तो नहीं मिलेगी। लॉस आप रैबिट्स में कर रहे हो और ढूंढने पोल्ट्री में चले गए तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना, फिर तो आप भागते रहोगे, बिजनेस स्विच करते रहोगे। सही है, साबित करनी बहुत जरूरी चीज है। बातें बड़ी अच्छी करते हैं माशाल्लाह। ये देखिए, मुझे बहुत पसंद है भाई ये। अच्छा, हमारे कस्टमर्स के लिए क्या रेट होगा वैसे? ये लॉयनेट ब्लू आइज का ये आपके कस्टमर्स के लिए हो जाएगा कि हम अवेलेबल करा देंगे इसको। अवेलेबिलिटी का ही सबसे रेट कोई नहीं कम होगा। इसमें नहीं हो पाएगा, बाकी सब में हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और भी ब्रीड है? कोई और भी ब्रीड्स हैं, मैं आपको सारी दिखाता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुजम्मिल भाई, इसके बारे में बताएं। ये हॉलैंड लॉप है। हॉलैंड लॉप। अच्छा, ये दो जो है ये वाइट रेड आईज में है, फिर इसमें एक जो है ये ब्रीडर फीमेल है, ये वीएम है। वीएम मतलब वियाना मार्क्ड, जो मैंने लॉयनेट में बताया था ना, ये वाइट ब्लू आईज बच्चे प्रोड्यूस करने की केपेबल है। अच्छा, अगर इसको हम क्रॉस करते हैं वाइट ब्लू आईज के मेल के साथ, ठीक है, इसकी आंखें ब्लू कलर की है, पर ये तो खुद तो स्मोक ग्रे में है। हाँ, ये वीएम है ना, वीएम कभी भी वाइट नहीं होते। अच्छा, इनके स्पॉट्स होते हैं। ये तकरीबन फीमेल है 1.5 साल की। 1.5 साल। अच्छा, ये क्या चीज है? इसको थोड़ा सा आगे करें, ब्लैक को, ब्लैक वाले को, ब्लैक को थोड़ा आगे करें सर प्लीज। ये ब्लैक आ गया, ये चेक करें ब्लैक। अच्छा, ये ब्लैक नहीं है कलर,
चॉकलेट टाइप कलर है, चॉकलेट टाइप है, चॉकलेट टू ब्लैक टाइप कलर है, और थोड़ा पंच फेस लग गया है, सारे ही पंच फेस है। ये थोड़ा ना एज में बच्चों से बड़ा है, इन बच्चों से ये बच्चा बड़ा है। अभी देख रहे होंगे कि इस बच्चे ने कान खड़ा किया है, ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, इसका क्राउन बड़ा होता जाएगा, ये कान नीचे को गिराता जाएगा और इसका हेड बिल्कुल पंच हो जाएगा अपनी इस फीमेल की तरह। अच्छा, इसका तो बकरियों जैसा कान है, हाँ चौड़ा है ना, लेकिन इसका देखें मतलब इस नीचे बिल्कुल ही डाउन है बिल्कुल। और इसके अंदर ना जो मेन चीज देखने वाली थी, कानों की लेंथ देखने वाली होती है। इसके कान देखें आप, बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, इसके कान इसके फेस के पास खत्म हो जाते हैं। अच्छा, क्या फ्यूचर में शोज में जाएंगे, क्या सीन होगा, एक्सपोर्ट होंगे या फिर एक्सपोर्ट तो अभी हम नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट के लिए ये कि हमारे अपने रेट कंट्रोल होंगे तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनको, ठीक है। हमारे रेट्स अभी खुद बहुत ज्यादा है, हमारे पास अपनी डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो एक्सपोर्ट कैसे कर सकते। क्या ये एज अ पेट है? ये एज एंटायरली एज ए पेट है, इसका और कोई पर्पस नहीं है, मीट मूट का कोई सीन नहीं है। खा सकते हैं वैसे? खा सकते हैं, हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन कौन खाए 25,000 रुपए का? तो फिर हमारी गाड़ी में दो तीन रखे ये, हम भी इसको लगाते हैं जाके जरूर। अच्छा, वन प्लस कितने लगाने हैं, अगर लगाना चाहे तो? देखिये मेरी यही रिकमेंडेशन होगी हमेशा कि वन प्लस थ्री या वन प्लस फोर की तरफ नहीं जाएंगे, 2+4 की तरफ बेशक चले जाए। वो एक अलग केस है। दूसरा ये भी है कि अगर आप बच्चे सेल कर रहे हैं तो आप एक ही माँ बाप के बच्चे नहीं सेल कर रहे ना आगे, एक ही माँ बाप के बच्चे आप भाई बहन आपस में क्रॉस करेंगे, क्वालिटी का बेड़ा गर्क होता चला जाएगा। फिर वो बाद में कहते हैं जी जो आपके पास है वैसे तो हमारे बने नहीं है, ब्लड वीक हो जाएगा, ब्लड वीक हो जाते हैं इनलाइन ब्रीडिंग। सही है, तो दो एटलीस्ट आपके पास पेयर होने चाहिए, फिर फीमेल आप बेशक 6 लगाए कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या वैल्यू होगी इस बच्चों की? व्हाइट कलर में 35,000 रुपए का पेयर है, ब्लैक कलर में तकरीबन 30,000 का पेयर है। ब्लैक में पेयर होगा आपके पास? ब्लैक में पेयर, ये अभी फिलहाल एक बच्चा ये है और एक बच्चा शायद और है। हाँ, इसकी, एक पेयर इस है। बकरी की क्या वैल्यू होगी? मैं इनको बकरियां कहूंगा। हाँ, ये जो बड़ी है, ये जी बड़ी बकरी की क्या वैल्यू? बड़ी बकरी जो है वो तकरीबन ये ब्लू आइज में है ना, क्योंकि तो ये थोड़ी सी ज्यादा महंगी है। वैसे हॉलैंड डॉग जो है वो अराउंड अबाउट 50,000 का अच्छा पीस आपको मिल जाता है। और ये काली बकरी, ये 30,000 का पेयर है, 30,000 रुपए का पेयर है, हम 60 दिन का बच्चा देते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू आपके नजर में व्हाइट की है? व्हाइट की वैल्यू, पाकिस्तान में हर चीज व्हाइट पसंद की जाती है। पाकिस्तान में व्हाइट हर चीज क्यों पसंद की जाती है? ये हमारी सोच में है और कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लेपर्ड्स के अंदर वो फैक्टर्स आ गए हैं, वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। व्हाइट लाख का है तो वो 3-4 लाख रुपए के हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये चीज मैंने सिर्फ पाकिस्तान में देखी है, जब मैं इंडोनेशिया गया था तो ये कलर में हमें ज्यादा महंगे पड़े हैं, व्हाइट में हमें सस्ते मिल रहे थे। अच्छा, मैंने देखा था थाईलैंड के अंदर इनकी बहुत ज्यादा डिमांड, मार्केट बहुत ज्यादा है। थाईलैंड एक हब है, 5,000 बार वो पाकिस्तानी अमाउंट तो बहुत ज्यादा बन जाते, कैसे अफोर्ड करते हैं लोग? जब हम जो दूसरी कंट्रीज को उनको रेट ज्यादा देते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। थाईलैंड के अंदर एक बड़ा मशहूर ब्रीडर है बनी विला के नाम से, अगर आप उसके देखें उसके पास क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने चकाचक मार्केट में देखा था और इतने एक्सपेंसिव ब्रीड, मैंने कहा कि यार मैं वहां से ना फ्लेमिश लेके जाता हूँ लाहौर पाकिस्तान लेके आता हूँ, लेकिन वो जब मैं टोटल किया सारी कैलकुलेशन की तो वो जितने का यहाँ पे मेरा 25,000 का मुझे महंगा पड़ा था। तो ये देखें ना, तो हम एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं ना, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन थाईलैंड से नहीं कहीं और से। खास तौर पे बैठ गया है, क्या नाम है ब्रीड का? न्यूजीलैंड व्हाइट है, ये प्योर ब्रीड न्यूजीलैंड व्हाइट है। बड़ा अच्छा साइज है इसका, क्या एज होगी इसकी? ये तकरीबन फीमेल जो है वो 8 मंथ्स की है। 8 मंथ्स की, और वेट क्या होगा इसका? इसका वेट तकरीबन 4.5 किलोग्राम है। क्या वजन बढ़ाएगी अपना भी? ये तकरीबन जाएगी 4.7 तक, इससे ऊपर हम जाने नहीं देंगे, थोड़ा वेट रिड्यूस कराएंगे, फिर ब्रीडिंग में मसाइल आना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम वेट वैसे कितना हो जाता है? 5 kg में आराम से चल जाता है, 5 kg में ओवर फैट के साथ। और फैट से फिर ब्रीडिंग नहीं करेगा, ब्रीडिंग नहीं करेगी। मेल कहाँ तक जाता है? मेल भी तकरीबन 4 तक ही हम रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेके जाते। और कितनी एज के अंदर ये 5 kg में चला जाता है? अगर हम लोग मीट पर्पस के लिए है ना, ये मीट पर्पस में ना जब भी यूज होगा ये इस साइज का बच्चा यूज होगा, बड़ा यूज नहीं होता। रैबिट को खाने की उम्र होती है, ये बच्चा इस टाइम पे तकरीबन इसका पेयर जो है वो 25,000 का सेल करते हैं। अभी नहीं खाया जा सकता क्योंकि ये कंपनियां अभी लग रही है ना, देखें प्रोडक्शन ही नहीं है हमारे पास, जब प्रोडक्शन होगी तो हम इस तरफ जाएंगे ना। कमर्शियल में कितना टाइम लग जाएगा इसको? तकरीबन कम से कम भी 4 साल लगेंगे, 4-5 साल। 4 साल कमर्शियल में लग जाएंगे, तब तक ये सेल होगा, तब तक ये पैसों में।
अभी आपकी नजर में अगर हम लोग रैबिट लगाते हैं तो कौन सा लगाएं? मैं जो आपने सारी ब्रीड्स दिखाई हैं उसमें ये न्यूजीलैंड वाइट एक बड़ी हाईली रिकमेंडेड ब्रीड है क्योंकि ये चलती रहेगी फ्यूचर में, कमर्शियल वैल्यू है, गोश्त इसका बिकेगा। इसके बाद इंग्लिश एंगोरा एक बहुत अच्छी ब्रीड है, हॉलैंड लॉब्स अच्छी ब्रीड है, और ये जो अपना लॉइन हेड डॉर, ये चार ब्रीड भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ये रनिंग आइटम है। चार ब्रीड रिकमेंड करते हैं आप, बेहतरीन हो गया। लेकिन ये मजमिल भाई के फार्म की वीडियो थी और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।